हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पुराने उसमें हमने एचटीएमएल में देखा जो टैग्स देखे, तो एचटीएमएल में हमने बेसिक एचटीएमएल टैग देखा, हेड देखा, टाइटल देखा, बोल्ड देखा, अंडरलाइन देखा, इटैलिक देखा, पैराग्राफ देखा, ब्रेक लाइन देखा, ऐसे 6-7 हम टैग देख चुके हैं। अब इसमें कुछ नए टैग्स और हैं जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, एचआर यूज बोलते हैं इसको, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको अगर एचआर टैग यूज करना हो तो पहले मैं आपको एचआर टैग बता देता हूँ। एचआर टैग का रूल ये होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह से, ये जो दिख रही है ना ये लाइन, तो इसको बोलते हैं एचआर टैग। स्टार्ट क्लोज दोनों होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि पैराग्राफ टैग और ब्रेक लाइन जो है, ये ब्रेक लाइन और पैराग्राफ टैग में ये होता है कि एंड एंड टैग नहीं होता, स्टार्ट टैग होता है। अब एचआर के साथ कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं, वो पैरामीटर जैसे विड्थ, साइज, विड्थ, नो शेड, अलाइन, कलर, हमको सारे यूज नहीं करना, तो कुछ एक वेट और साइज हम देख सकते हैं, पर पहले हम एचआर टैग चलता कैसे उसको हम देखते हैं। तो ये एक लाइन है, ये इसमें तीनों चीजों के एग्जांपल हेड एचटीएमएल, हेड टाइटल, हेड बॉडी H1, ये हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए 3, डीआर से लाइन ब्रेक, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ 3 लिखा है वहाँ देखो आप, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके ऊपर फिर लाइन के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हालांकि लाइन एक ही है वो। तो हम इसको बेहतर है कि हम इसको आउटपुट देखें ताकि हमको क्लियर हो कि किस टैग का क्या यूज है। अब हम देख रहे हैं कि इस टैग का क्या यूज रहेगा। अब इसको हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, सिक्स नाम से हमने प्रोग्राम बनाया था, ये ओपन करें, ये देखो आपका कोडिंग भी बता देता। पहले HTML हेड ऑप्शनल है, ये हेडिंग H1 जो है, तो ये H1 पी से पैराग्राफ, बी आर लाइन से लाइन ब्रेक, लाइन 2 से फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो लाइन 3 के पहले HR लाइन है, ये HR यहाँ पे एंड नहीं करा, आप एंड भी कर सकते हैं। ये अब जैसे इसमें एक और चीज बताया था, HR लाइन 3 लिया ना, उसके बाद यहाँ लिया HR करते हैं और फिर हम वापस देखते हैं, ये विड्थ 60% का आ गया। अब साइज ले लेते हैं,
ये रहता है। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस है, विड्थ पहला 60%, 60% मतलब टोटल लाइन का 60% विड्थ है, और ये साइज इक्वल टू 12 लिया। अब जैसे थोड़ा सा 12 की बजाय अपन 6 ले लेते हैं तो और ज़्यादा इजी समझ में आएगा। 6 में लाइन छोटी हो गई, तो ये डिफरेंस है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं एचआर लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क थर्ड करता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। यू विल लर्न हाउ टू एनहांस योर पेज बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक एंड अदर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अपॉन कंप्लीटिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू चेंज द कलर साइज ऑफ टेक्स्ट, यूज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं इसको अपन देख लेते हैं। इसमें मैं आपको बताया था बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक अपन बता चुके हैं, फॉन्ट कलर ले लेते हैं अपन। फॉन्ट में दो चीजें आती है, ये हेक्साडेसिमल में कलर बताता है अपन, कलर और साइज ये दो ले लेते हैं फोन का। नॉर्मली फोन जो है वो ब्लैक कलर का आता है, तो इसको अपन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। नया हम सेव करते हैं प्रोग्राम, पैराग्राफ टैग एंड करो या ना करो एक ही बात होती है। ये हेडिंग आया अपन उसकी कॉपी करते हैं वहां पे, ब्लू कलर। अब इसमें एक और चीज ले सकते हैं, साइज भी ले सकते हैं। फोर्टीन दो पैरामीटर लिए फॉन्ट के, मैं फिर समझा रहा हूँ, पैराग्राफ फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, ये फॉन्ट का फॉन्ट के अंदर ही टैग है। नॉर्मली फॉन्ट ऐसे यूज होता है, पर इसके बजाय जो जो भी चीजें देना वो इसके अंदर ही दे दी है। उसके बाद आपने जो भी आपको लिखना है फोन, ये उस फोन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा जो फोन टैग के अंदर देंगे। फोन टैग में बेसिकली चार चीजें आती है, कलर आता है, साइज आता है, विड्थ बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, वो सारी चीजें आप आ सकती है। नीचे वाले में साइज आ जाएगी। आप देखें सेवन ये देखो, दिस टेक्स्ट इज बेस्ट कलर, दिस टेक्स्ट इज कलर, ये ग्रीन कलर में अपन ने लिखा भी। इसके वजह अपन एक काम करते, इसमें पैराग्राफ डाल देते या बी आर लाइन लाइन ब्रेक ब्रेक लाइन डाल देते, अब उसमें कलर उसमें समझ में आ जाएगा। अब दोनों अलग अलग लाइन पर आ जाए। फिर
देखो बाय डिफॉल्ट जो है पहला ब्लैक कलर का है, फिर अपन ने अब इसमें एक बार इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने बता दिया। फिर हेड बॉडी पैराग्राफ फिर फोन कलर ब्लू दिस टाइप कलर फोन और फिर वो ले लिया और उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रीन, ग्रीन में अपन ने साइज बढ़ा दी। तो फोन टेक का यूज यही कि फोन टेक स्टार्ट होता है फोन मतलब उसके अकॉर्डिंग फोन। अच्छा इसमें ऐसा भी है जैसे आपको फेस भी ले सकते हैं, मैं एक और चीज बताता हूँ, बड़े सिंपल लैंग्वेज है ये, इजी भी है। अब इसको देखते हैं, ये सेव करा। ये एरियल में मतलब ये फोन फेस का मतलब फोन का नाम, तो फोन का नाम भी दे सकते हो आप, फोन का नाम चेंज कराओ देखो आप, तो फोन के अकॉर्डिंग ही उसकी साइज वाइज है, क्योंकि वैसे भी हर फोन का जो इफेक्ट है वो अलग अलग रहता है, तो ये चीज देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फिर भी आप इसमें देख सकते हो। आप इस पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज का अपन ने लिया कलर। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा उसका जो डबल कोट है ना उसमें डिफरेंस है। अब देखें हम इसमें क्लियर हो जाएगा, ये आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट वही। तो हो सकता है आप लोगों के दिमाग में हो कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो डबल कोट्स का डिफरेंस था, ब्लू भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, येलो भी आ गया। तो ये इस तरीके से फोन टैग काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट टैग है ये। अब एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये टैग वर्क करता है। और स्ट्रॉन्ग एंड कर दिया, आप देखें हम
ये एक तो देखें, ये मैं एट करवा रहा हूँ। कंट्रोल हो, ये स्ट्रॉन्ग ग्रेड में हाईलाइट है, मतलब बोल्ड जैसी काम कर रहा है, पर अंतर है। नॉर्मल पैराग्राफ में वो पैराग्राफ की स्पेस और बोल्ड अंडरलाइन उसके अकॉर्डिंग लेता है, और ये स्ट्रॉन्ग टेक उसके अकॉर्डिंग, मतलब हाईलाइट करता है थोड़ा सा डार्कली और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो जो जो टैग में बताते जा रहा हूँ उसी को नोट डाउन कर, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वो हो गया, नेक्स्ट अब नेक्स्ट में हम ये सभी देख चुके हैं, बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक, अब ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये, जितने हेडिंग पैराग्राफ एंड ओरिजेंटल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट सेंटर ये तीनों वर्क करते हैं, मतलब हेडिंग में भी वर्क करते हैं, पैराग्राफ में भी वर्क करते हैं और ओरिजेंटल रूल में वर्क करते हैं। पर हम हेडिंग और ओरिजेंटल रूल में दोनों दो यूज करके देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग लिया, ऐसे ही हेडिंग में ले लेते हैं, ये हेडिंग कर रहे हैं, अच्छा एक चीज इसको ध्यान रखने वाली बात है कि आप स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हो। देखो आप ध्यान से, ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको भी सेकंड पैराग्राफ,
अब देखते हैं, ये देखो सेंटर में आया, ट्रेलिंग टेक कब एंड हो रहा है, डबल जा रहा है, ये अपन हटा देते हैं। ये सेंटर में दोनों चीजें आ गई, तो बेसिकली उसको लिखा ऐसे जाता है, अब देखते हैं अगर ये आ गया सेंटर में, इसको भी ऐसे लिखेंगे, वो राइट साइड आ गया। देखो ये पहले अपन ने चलाया था तो नहीं आया, तो अलाइन कीवर्ड उसमें ऐड करना होता है, ये ध्यान रखें आप। और इसमें अगर आप उसको उतार लें तो और ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा। मैंने रोक के इसीलिए रखा कि आपके दिमाग में अगर कुछ और एडिशनल चीजें आ रही हो तो उसमें भी क्लियर हो जाए आपको, इसलिए मैंने रोक के रखा। हेडिंग साइड सभी की यूटिलिटी है। आज अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी, हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ का अलाइनमेंट देखा, सेंटर चीजें देखी, ओवरऑल एक्टिविटीज हमने देखी। हेडिंग, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन तीनों में कर सकते हैं ये प्लान। ये स्पेशल कैरेक्टर सिंबल ये तो नहीं, एक स्ट्राइक, ये दो तीन, एक स्ट्राइक बता देता हूँ। स्ट्राइक में वर्ड्स कट जाते हैं बीच में से, मैं स्ट्राइक का यूज बता देता हूँ। स्ट्राइक, बिग, ये दोनों का यूज बता देता हूँ। स्टेबल बॉडी ले लेते हैं अपन, हेडिंग ही लेते हैं, हेडिंग नहीं ले रहे अपन, इससे वर्ड्स कट हो जाएंगे, लाइन ब्रेक होगी इससे। इससे भी लाइन ब्रेक होगी, एक सिंपल प्रोग्राम दिया, इसमें बिग फॉन्ट का यूज बता रहा हूँ और स्ट्राइक फॉन्ट का यूज बता रहा हूँ। स्ट्राइक में बीच में से वर्ड्स कट जाते हैं, ये पहला वाला जो आ रहा है ये कटा हुआ आ रहा है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्ट्राइक जो होता है, स्ट्राइक में बीच में से लाइन कट करके कट आता है,
फिर लिखा डेल इज यूज फॉर स्ट्राइक एट द लेटेस्ट ब्राउजर, फिर बिग बिग में बिग फॉन्ट बिग आ जाते हैं जी आई जी लेटेस्ट टेक इन ए बिग फॉन्ट। ये इसमें एक स्मॉल भी जोड़ देते हैं अपन, तो स्मॉल सब सुपर तीनों ही जोड़ के बता देता हूँ। स्मॉल में उसकी साइज स्मॉल हो जाती है, ये एक ही टेक में स्मॉल में स्मॉल उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी। बीआर कर देता हूँ यहाँ, पैराग्राफ कर देता हूँ। अच्छा, सबका यूज बेसिकली क्या होता है, एस यू बी और एस यू पी, एस यू बी बेस के लिए लगता है। जैसे मैंने लिखा लॉ और एक्स लिखना है तो ये सबस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट मतलब बेस पे आता है, एक्स बेस पे आ जाएगा। फिर अपन यहाँ लिख रहे वापस पैराग्राफ बना रहे और सुपर यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों ये बेस में आएगा, ये पावर में आएगा। आप देखो एक की उसमें बहुत सारी टैग यूज हो रहे हैं, ये देखो आप। मेरे ख्याल से मैं 5 मिनट ऐसे ही रख, 2 मिनट ऐसे ही रखता हूँ। ये एक ही जगह प्रोग्राम है, प्रोग्राम की मैंने फॉर्मेटिंग नहीं कर दी, बड़ा सोबर तरीके से कर दिया। स्ट्राइक आउट मतलब अपन देख चुके हैं, इसमें पैराग्राफ लगा देते हैं हर जगह। तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बीआरबी का नेक्स्ट लाइन ही आती है। तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने बताया और हर टेक का यूज है। एस यू पी सुपर जो पावर के लिए यूज होता है ना, ये बेस के लिए यूज होता है, हर जगह लिख दिया मैंने, एक बार और देखते रन करके लिखा भी फॉर बेस और फॉर पावर। इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ यूज कैसे यूज करना है। काफी सारे फॉन्ट यूज कर लिए हमने, कैसे करते हैं, नोटपैड में टाइप करते हैं, उसका एक्सटेंशन .html देते हैं और उसके बाद उसको ब्राउजर पे ओपन करते हैं। ब्राउजर पे आप कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोई और टैग, स्ट्राइक बिग स्मॉल। अब इसमें एक लिस्ट टैग चलती है और एक बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी हम देख सकते हैं, बॉडी बैकग्राउंड, बॉडी का कलर भी ले सकते हैं इसी में। ये बॉडी कलर मतलब बैकग्राउंड में कलर हुआ आएगा, इसको भी आप उतार सकते हो अच्छे से। इसको एक कोई एग्जांपल मिलेगा तो मैं और बताता हूं। लिस्ट में बताऊंगा, इमेज भी ले सकते हैं इंटरटेक। टेबल टेक, देखो ये टेबल टेक भी चलता है, टेबल फ्रेम, ये स्ट्राइक। अब लिस्ट देख सकते हैं हम लिस्ट टैग में। बेसिकली लिस्ट दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिफाइंड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग होती है, अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें नंबरिंग नहीं होती है, पॉइंट के हिसाब से काम करते हैं। डिफाइंड लिस्ट वो होती है जिसमें पॉइंट्स और उसके सब पॉइंट्स दोनों होते हैं। उसके अकॉर्डिंग वर्क बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, लिस्ट एलिमेंट में LI से जितना आइटम आपको ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हो, LI से आइटम ऐड होंगे। और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं तो UL और ऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं तो OL। तो मैं इसको एक नए प्रोग्राम में ये लिस्ट जोड़ी। अब लिस्ट आइटम में मैं लिखते जाता हूं, बनाना ऑरेंज, फिर LI के साथ और जोड़ सकते हैं हम पपाया। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे हेड टाइटल में आप दे सकते हो, ये मैंने बताई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL से होती है, तो UL से हम बनाते हैं और UL टैग से ऐड करते हैं, और जितने आइटम ऐड होते जाएंगे वो LI आइटम, LI से आइटम ऐड होंगे। LI इज यूज्ड फॉर आइटम ऐड और बहुत सिंपल है ये।
टेंथ ये बनाइए, देखो अनऑर्डर लिस्ट है, बनाना ऑरेंज ऑरेंज आया, ग्रेप्स लिखना भूल गया मैं, ग्रेप्स लिख देता हूँ, और भी जोड़ लेते हैं, मैंगो जोड़ लेते हैं, ये अनऑर्डर्ड है, और यही चीज ऑर्डर से चलेगी तो ऑयल से चलेगी, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑयल लिया, अब देखते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, सीक्वेंसिंग रहेगी 1 2 3 ABCD, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होता है, और इसको मैं एक काम करता हूं ऊपर लिख भी देता हूं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दी और ऑर्डर्ड लिस्ट लिख दी, अनऑर्डर्ड में वो डॉट के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट रहता है और ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 रहता है, आप ऑर्डर्ड लिस्ट में ABCD बना सकते हो और अनऑर्डर्ड में आप डिस्क बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो ये HTML भी काफी वास्ट है, बट अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर ऑल्सो, इन 10th 11th 12th इवन कॉलेज इफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट प्रॉपर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन कॉलेज ऑल्सो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी लिस्ट से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अभी तो यही समझो आप कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसमें दोनों में दे भी रखा है, डिफरेंस ही मैंने पूरा बताया प्रॉपरली, और आज पूरे आपको प्रोग्राम ही बनाया, अगर आप प्रोग्राम ही बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, नोटपैड पे बना के और आप चला के देखोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे लिस्ट के साथ ही, लिस्ट के आगे कंटेंट के अकॉर्डिंग।